नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लुधियाना के सर्किट हाउस में पंजाब कैबिनेट की हुई मीटिंग, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की अगुवाई। जीरा के अधीन आते गांव नवा गुरदित्ती में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का हुआ कत्ल, पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। नाभा ब्लॉक के गांव खोख में नशेड़ी बेटे ने घर में लगाई आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग लुधियाना के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में हुई। मीटिंग के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार की ओर से चंडीगढ़ से बाहर ये पहली कैबिनेट मीटिंग की गई है, जिसके बाद मंत्री अधिकारियों के साथ लोगों को मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा उनकी समस्याओं का मौके पर ही हल किया जाएगा। इस मीटिंग में लोकल बॉडी की ऑडिट टीम के लिए 87 नई असामियों का सृजन, खेल विभाग के ग्रुप ए और बी कैटेगरी में नई भर्ती, पीएयू अध्यापकों की लटकी मांगों को पूरा करने जैसे फैसले लिए गए हैं। अगली मीटिंग में गढ़वासु से संबंधित फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने पीटीयू के विकास और सीमावर्ती क्षेत्र अजनाला में बाबा बुड्ढा जी इंस्टीट्यूट के ब्लॉक के निर्माण और ड्रग लेबोरेटरी में सफाई स्टाफ की भर्ती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम जारी रखेगी। इसी तरह 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों की रजिस्ट्रेशन कर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों का लाभ देने हेतु मुहिम चलाई जाएगी। बेमौसमी बरसात के कारण किसानों के हुए नुकसान के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे मुआवजे का 10% हिस्सा उन खेत मजदूरों को ही दिया जाएगा जिन्होंने वहां काम करना था। उन्होंने आने वाले समय में विकास की रफ्तार और बढ़ाने की बात भी कही। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। लुधियाना सर्किट हाउस विखे पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग हुई। बहुत सारे अहम फैसले इस मीटिंग दौरान विचारे गए। मेरे नाल मेरे कैबिनेट के साथी हरभजन सिंह जी, कुलदीप सिंह धालीवाल, अमन अरोड़ा जी, चेतन सिंह जौर माजरा जी, लालजीत पोलर जी, सारे मंत्री साहबान जिन्हें भी आज कैबिनेट के विच पहुंचे, धन्यवाद। सब तो पहला तो ये चंडीगढ़ तो बाहर पहली साड़ी कैबिनेट है, तो फैसला लिया गया अज सर्वसम्मति नाल कि ज़्यादातर कैबिनेट मीटिंगा जिहड़ियां ने वो लोगों के विच जाके करया करा। कैबिनेट मीटिंग तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस तो बाद उस इलाके दे जिथे कैबिनेट मीटिंग हो रही है लोगों को भी मिलांगे, वक् वक् वर्गों के उन्हां दी जिहड़ियां कोई मुश्किलां शिकायतां सुझाव ने वह भी सुनांगे। सारे मंत्री साहबान अपने अपने डिपार्टमेंट के जिहड़े सीनियर ऑफिसर ने उन्हां नूं भी नाल लैके जाणगे ताकि मौके ते हल हो सके। कुछ लोकल बॉडी जिहड़ा लोकल ऑडिट टीम है उहदे च 87 पोस्टां जिहड़ियां ने उह क्रिएट कीतियां जा रहियां ने, भरनिया ने। हुण उह घाट चल रही, हजे होर भी रहिंदे ने, उह भी आउण वाले दिनां च हो जाऊगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के रूल जिहड़े ग्रुप ए, ग्रुप बी ते ग्रुप सी वास्ते, उन्हां संबंधी भी सर्वसम्मति नाल फैसला लिया गया। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी पीएयू दे जिहड़े अध्यापक ने उन्हां दे जिहड़े सोधी हुई तनखाह दे स्केल ने 1 जनवरी 2016 तो लागू होणगे, ये अहम फैसला लिया गया। उन्हां नूं भी जो पे कमीशन दे
सत्तवें पे कमीशन के जेडे सौदे हुए जेडे तनखाह के स्केल ने वो उन्होंने मिलने जी। अगली कैबिनेट के गढ़वासू दे जिन्हें भी मास्टर केडर के जिन्हें भी मुलाजम ने उन्होंने मंजूरी देती जाऊगी। उस तो बाद फिर पी टी यू की बारी है, तीन साढ़े को कैटेगरीज ने जिहड़े स्कूलों वाले टीचर ने उन्होंने तो पहले ही हो गया सीगा, हुण पी ए यू गढ़वासू ते पी टी यू इन तिना असी अप्रूव कर लें। सारे पंजाब दी सड़कां इनकंप्लीट है, तुसीं कल्ले दराहे वाली ना गल करो, इन्होंने कीता ही कख नहीं। सो असी हुण पहला टोल प्लाजे हटा रहे हैं, सड़क ही उह सी जिते टोल प्लाजे सी, जिते टोल प्लाजा नहीं उत्थे सड़क नहीं हैगी। सो असी सड़कां भी बना लवांगे, टोल प्लाजे भी हटावांगे, डिपार्टमेंट कोले रेवन्यू आ रहा है और हौली हौली असी 18 फुटियां सड़क कर रहे हैं और नाल नाल जिहड़ा सड़क बनाउण दा जिहड़ा मटीरियल है वह भी ऐसा पावांगे कि अगले कई साल तक सड़क की रिपेयर की लोड़ ना पवे। जीरा के अधीन आते मल्लावाला थाना के अंतर्गत नवा गुरदित्ती वाला गांव में पुरानी रंजिश के चलते तेज धार हथियारों से एक युवक गुरविंदर सिंह की हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त युवक की गांव के लोगों से पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते आसपास के गांव के लगभग 20 अज्ञात हमलावरों ने पहले गुरविंदर सिंह के पुराने घर गुरदित्ती वाला में आकर मकान को तहस नहस कर दिया और बाद में हमलावर नवा गुरदित्ती वाला स्थित नए मकान में जा पहुंचे, जहाँ गुरविंदर सिंह कमरे के अंदर खाना खा रहा था। इस दौरान हमलावरों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और गुरविंदर सिंह पर किरपानों और लाठियों से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने बताया कि नवा गुरदित्ती वाला में गत दिवस मारपीट हुई थी, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान एक युवक गुरविंदर सिंह की मौत हो गई। इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने बताया कि घायल सज्जन सिंह नामक युवक के बयानों के आधार पर कुल 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। कोई कारण नहीं सी वीर जी, बस पिछले साल पहला मम्मा का ऑपरेशन होया सी अखां दा, ते इन्हां नूं कहा सी भी डीजे तुसी ना लाओ, इन्हां ने कहा भी असी डीजे लावांगे। घरे बहुत बंदे बुंदे इकट्ठे करते सीगे, पहला नशे नुशे का भी काम करते सीगे, ते असी इन्हां नूं रोकिया कि सानूं दिक्कत परेशानी आउंदी धीआं भैणां तो, क्योंकि बाद च वीर ने इत्थे बाहर थां ले लिया, घर पा लिया। इन्हां ने बस उही पुरानी रंजिश रखी, होर कोई मेरा वीर दा कोई इन्हां नाल लैणा देणा नहीं, लड़ना नहीं वो चाहुंदा सीगा, सिर्फ वो रोटी खाण वास्ते इत्थे आया सीगा। नहीं उन्हें पता लग्या इन्होंने 25-30 बंदे इकट्ठे करके आके मेरे वीर नूं मारता, सानू कुछ नहीं पता लगा क्यों मारिया की गल आ। चालां दे सीगे, कुछ पिंड दे सीगे, चालां दे सीगे छेरखां उहदे नाल मुंडे दा नाम जोबन आ, एक दा नाम मोल आ, जशन आ, करन आ, उहदा मामा सी उहनूं माशा कहिंदे आ, एक उहदी माँ सी, एक उहदी भैण सीगी, सारे एक साडे पिंड दे बंदे सीगे दो तीन नाल जिन्हां ने मिल के मरवाया उहनूं। कल गुरदित्ती वाला दे इक लड़ाई होई सी सुबह, जिदे विच दो बंदे इंजर्ड होए सीगे, एक सज्जन सिंह, एक उहदा लड़का गुरविंदर सिंह, ते जिसदा गुरविंदर सिंह दी दौरान इलाज फरीदकोट मैडिकल कॉलेज विखे शामी मौत हो गई सी, जिहदे सज्जन सिंह दी स्टेटमेंट दे उत्ते मुकदमा जिहड़ा दर्ज कीता गया। ते कि सर धारा ने लगाइया जी, जिहदे विच कतल दी धारा 302 आई पी सी, 307, 452, 427 आई पी सी जिहड़ा दर्ज कीता गया। ते किन्ने सर बंदे जिहड़े हैगे आ, मतलब जिहनां दा मामला दर्ज है? इहने 4 बंदे माइनिम ने, ते 7-8 बंदे जिहड़े आर्मी। इंसान सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करके अपना घर बार बनाता है, अगर उसके घर का पारिवारिक सदस्य नशे का आदि हो जाए और पेट्रोल डालकर घर को आग लगाकर सारा सामान राख कर दे तो पारिवारिक सदस्यों पर क्या बीतेगी। ऐसी ही एक घटना घटी नाभा ब्लॉक के गांव खोख में, जहां बेखौफ होकर नशे की हालत में परिवार के बड़े बेटे ने एक के बाद एक कमरे में पड़े सामान को आग के हवाले कर दिया, जिस कारण 3 कमरों में पड़ा सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं पारिवारिक सदस्यों की ओर से पड़ोसी के घर में घुसकर अपनी जान बचाई गई। इस घटना के बाद उक्त परिवार का लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है, जिसके चलते गरीब परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही नाभा सदर थाने की पुलिस की ओर से आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मेरी जेठान असी काम तो आए थे दिहाड़ी तो मेरा जेठा कि मेरी जेठानी बोलन लग गई उस तो बाद बोली गए सानू ऐसी चल अगे भी बोल बोल के हट जाते हैं पहले थप्पड़ जो मारन आता सी पर मारिया नहीं है फिर उन्होंने पड़दा पैप उतार लिया मैं क्या चल भी मारन ना कि मैं मूहरे चलेगी पहले तो उन्होंने मारिया नहीं साढ़े सानू कहते घरों बाहर चल जाओ असं चले गए उस तो बाद सानू मोड़ लिया जाके जब असं दोबारा आए फिर सानू उन्होंने इन्हों के पैप मारे जब मैं छुड़ा आई मूहरे मेरे भी लगे पैप भी मेरे भी मारिया उन्होंने सस के भी मारन आते सी फिर असी वह कहने असी मैं 10 मिनट तक आना थोड़ा आके दसदा पता असं डरते मारे चले गए भी चल आप ही पै जाएंगे सौ जाएंगे साढ़े आंदियां असी बाहर बैठे से किसी के घर लुके हुए थे साढ़े आंदियां ही उन्होंने अग ला के सारा घर फूकता ही सन तो लोगों ने जिन्होंने अग बुझाई है सन तो उन्होंने दसे मेरा ही मेरी जठानी का मेरी सस का ही तिना के सारे समान अग लाती फूकता ही सारे नहीं कुछ नहीं बचे है सारे कपड़े हाँ जी दारू पीती हुई सी उन्होंने अगे भी करते ने सू ऐसा भी चल आप ही समझ जाएंगे पर उन्होंने सू इन्ना नहीं पता भी इन्नी करे साढ़े नाल साढ़े बच्चों ने जोड़े कपड़े पाए हुए नहीं यही बचे ने बाकी सारे उन्होंने अग ला के सू एक तलाह आई थी सिविल अस्पताल तो भी एक संदीप कौर हरजिंदर कौर दाखिल तो जाके जो पता कर सारी उन्होंने बयान लिया उन्होंने दसन मुताबक 26 तरीक न करीब 7 बजे शाम को जिहड़ा संदीप कौर का घर वाला गुरप्रीत सिंह वो घर आया आते सर ने दारू पीती हुई सी संदीप कौर भी कुटिया आपकी भरजाई हरजिंदर कौर जी वो मदर उन्होंने भी तिना काफ़ी पहला उन्हें स्टील की रॉड ना कुटिया उस तो बाद जो रॉड वो परिवारक मैंबर ने फड़ ली फिर वो घरों चला गया उन्होंने कहता मैं आके इसको दोबारा कुटूंगा जिस करके वो परिवार के मैंबर जोड़े वो किसी रिश्तेदार के घर चले गए सो मगरों करीब उन्हें रात को 12-1 बजे आके अपने घर में जी अग लाती जिद तकरीबन उन्होंने 3 बैड तो अलमारियाँ तो होर काफ़ी समान जोड़ा उन्होंने असी घर का वो टोटली सड़ गया जो बयान मुताबक असी जी FIR रजिस्टर करती है। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब और श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त रहे प्रकाश सिंह बादल का गत दिवस अंतिम संस्कार किया गया था। आज उनकी अस्थियां इकट्ठा करने की रस्म अदा की गई। ये रस्म बादल परिवार और उनके रिश्तेदारों द्वारा निभाई गई और वाहेगुरु जी के नाम का जाप किया गया। नम आंखों के साथ बादल परिवार ने स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल का अंगीठा संभाला। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरुबचन सिंह ने अरदास की और पहला दमदमी के मुखी ज्ञानी हरनाम सिंह धूमा ने पाठ पढ़ा। अस्थियां इकट्ठा करने की रस्म सुखबीर सिंह बादल बेटी परनीत कौर बहू हरसिमरत कौर बादल पोते अनंतबीर सिंह पोत्रियां हरकीरत कौर गुरलीन कौर विक्रमजीत मजीठिया और मनप्रीत बादल सहित अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई। इस मौके पर संत रंजीत सिंह बलविंदर सिंह भूंदड़ हीरा सिंह गाबड़िया जगदीप सिंह नकई सहित अलग अलग पार्टियों के नेता वर्कर और बड़ी संख्या में इलाके के लोग मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की अस्थियाँ श्री कीरतपुर साहिब में जल प्रवाह की जाएंगी। सुनाम की बेटी सानिया अदलखा को नेशनल गेम्स 2022 में फेंसिंग खेल में सिल्वर मेडल जीतने वाली को जिला फुटबॉल एसोसिएशन संगरूर और अरोड़ा वंश खत्री सभा सुनाम की ओर से घर जाकर सम्मानित किया गया। गौरतलब रहे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री मीत हेयर की ओर से नेशनल गेम्स 2022 के सभी मेडल विजेता पंजाबी खिलाड़ियों को सम्मान राशि बांटी गई थी जिसमें सानिया अदलखा को 3 लाख रुपये की सम्मान राशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सानिया के माता पिता ने जहां अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर मान जताया तो वहीं सानिया ने भी भविष्य में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जताया। फिलहाल सानिया के घर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 2012 तो शुरू की सी ये गेम ते मेरे इंटरनेशनल लेवल मेडल भी ने ते नेशनल लेवल मेडल भी ने ते मैं अगे फ्यूचर होर ट्रेनिंग करके अपने नेशनल ते इंटरनेशनल मेडल लेके आऊँगी।
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਬਿੱਟੀ ਮਾਣ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਅਰੋੜ ਵੰਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਰੋੜ ਵੰਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਕੋਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਏਵਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਹੇਤੂ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਚੁਣਾਵ ਕਾਰਿਆਲਯ ਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਤੂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨੋ ਸੇ ਲੈਸ ਗਾੜੀਓ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਵਮ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਸਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ ਸੋਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਹਿਸਾਰ ਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਅਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਉਕਤ ਗਾੜੀਓ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰੋਂ ਮੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਤਥਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨੀਤੀਓ ਵ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਓ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਵ ਸੈਂਕੜੋ ਕਾਰਯਕਰਤਾ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਦੇਖਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹੋਕਰ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਹਿ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਛੋੜ ਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਸੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਕੇ ਗਾਉਂ ਅਲੀਪੁਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ PR ਕੋ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਗਾਉਂ ਮੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਵਹਿ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਤਾ ਥਾ ਔਰ 22-22 ਘੰਟੇ ਵਹਿ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਟ ਚੁਕਾ ਥਾ। ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵਹਿ ਯਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤੋਂ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਵਹਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਮਨਮੀਤ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਗਾਉਂ ਵਾਸੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਾਰਨ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਖਲੋਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਾਹੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਘਰ ਬਣਾ ਲਊਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ PR ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 20-22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਸ, ਆਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰ ਟੋਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ, ਬਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਪੀਆਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮਨਵੀਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਲੂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀਰੇ, ਮੱਕੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 22 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਈਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ ਜੀ। भारत की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को समर्पित जेसीपी अटारी में महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाई गई। महात्मा गांधी जी की तस्वीर रिट्रीट समारोह में रोजाना आने वाले सैलानियों के लिए बहुत ही दिलचस्प होगी और सबसे अधिक सीमा पार से राष्ट्रीय पिता की एक महत्वपूर्ण झलक होगी। ये तस्वीर 10x8 फुट की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर वाटरप्रूफ और डिजिटल रंगों से तैयार की गई है। अमृतसर लोकसभा सदस्य गुरजीत औजला, DIG बॉर्डर रेंज नरेंद्र भार्गव, BSF के DIG और फिक्की फ्लो की चेयरमैन हिमानी अरोड़ा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस तस्वीर का अनावरण किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। JCP ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक पोर्ट्रेट लग्या होया टॉप ते, वो पुराना हो गया सी, जिनू BSF ने दी अथॉरिटीज़ ने उन्होंने DIG साहब गौड साहब ने उपराला किया, तो AIPIL दे सौजन्य नाल नवा पोर्ट्रेट इलैक्ट्रॉनिक पोर्ट्रेट बनाया गया और उन्हों अज उत्थे स्थापित किया गया, उदा अज इनॉगुरेशन सीगा। मैं समझदा है कि राष्ट्रपिता लई ये बड़ी ही भावभीनी श्रद्धांजलि है, जिहदे लई इत्थे दी अथॉरिटीज़ उहदे पात्र ने, प्रशंसा दे पात्र ने, ते राष्ट्रपिता नूं ये बड़ी जिहड़ी हैगी है श्रद्धांजलि, मैचिंग श्रद्धांजलि है। आज वी आर थैंकफुल टू MP औजला जी, जिन्होंने हमें यहाँ पे जब महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट इंस्टॉल हुआ है उसको इंस्टॉल करने की सेरेमनी में आने का मौका दिया। एंड इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एज अटारी बॉर्डर ऑलवेज होल्ड्स अ वेरी पेट्रियोटिक फीलिंग फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी इंडियन फॉर दैट मैटर। एंड इतना इतने टूरिस्ट आंदा है, आई थिंक 20,000 एवरेज हैगा रोज़ का। एंड वी हैव टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी हैव ऑल ओवर द कंट्री ऑल्सो पीपल विजिटिंग अटारी बॉर्डर। मैं हरप्रीत संधू, फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, नेचर आर्टिस्ट, ऑथर ते हैरीटेज प्रमोटर। ये जिहड़ा काम है ये मैं कदी नहीं कहूँगा भी मैं कीता, ये उस परम पिता परमात्मा ने सानू अंग संग सहाई बख्शिया, तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स आर नेशन। जदों असी कहने आ इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज़ द अटारी बॉर्डर एंड अक्रॉस इफ यू सी दैट इज़ द पाकिस्तान इंडोपॉक। हज़ारा लोग इतने थोड़ी जी परेड देखने आते हैं, बट बहुत थोड़े लोगों ये पता है भी अज असी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सीमा सुरक्षा बल से खड़े हाँ, जिहड़ा कि भी एक जीरो लाइन है और साडा सारा पंजाब सूबे की इतों शुरुआत होंगी, हिंदुस्तान की होंगी, सानू महफूस रखने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है और साड़ी पंजाब पुलिस है। ये बॉर्डर ते साड़ी पंजाब रेंज दी पुलिस भी हैगी है, ते कस्टम डिपार्टमेंट दी बहुत ही एक बेहतरीन और हिस्टोरिक गैलरी है इत्थे।
जिसनों असी हुणी थोड़े चिर बाद उजागर करांगे। ये जिहड़ा पोर्ट्रेट हैगा 10x8 feet का डिजिटाइज्ड बाई मी एज अ नेचर आर्टिस्ट विद दी कोऑर्डिनेशन ऑफ BSF कस्टम्स डिपार्टमेंट एंड वी आर थैंकफुल टू मैंबर पार्लीमेंट अमृतसर मिस्टर गुरजीत सिंह औजला भी जिन्होंने इस परसनल इंटरेस्ट लिया और ये लाने का इको महत्व है भी ईवन अक्रॉस द बॉर्डर भी साढ़े फादर ऑफ नेशन जिहड़े ने महात्मा गांधी जी जदों असी कहने भी साडा भारत सो 75th अमृत महोत्सव नूं ये डेडिकेट किया गया। जालंधर के भाजपा भवन में एक अहम मीटिंग आयोजित की गई जिसमें राजकुमार वेरका ने BSP अंबेडकर के साथ समझौता किया, तो वहीं पूर्व जिला प्रधान देहात और पूर्व वर्किंग कमेटी के सदस्य मंजीत सिंह अकाली दल को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान भाजपा पार्टी के नेताओं की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। अमृतसर की बल्ला सब्जी मंडी में ठेकेदारों द्वारा ज्यादा वसूली करने पर आढ़तियों और फड़ी वालों द्वारा हड़ताल कर दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सब्जी मंडी के लवली अरोड़ा ने बताया कि सब्जी मंडी में मंडी बोर्ड द्वारा आढ़तियों और फड़ी वालों को कोई सुविधा ना देने के कारण उन्होंने यह हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि मंडी ठेकेदार द्वारा फड़ी और आढ़तियों से 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक ज्यादा वसूली की जा रही है और कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि जब तक मंडी बोर्ड यह धक्केशाही बंद नहीं करवाता तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ट्रक यूनियन जीरा के ट्रक ऑपरेटरों की ओर से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर FCI कार्यालय जीरा में पहुंचकर FCI के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रक यूनियन जीरा के प्रधान बलवंत सिंह सिंधु ने आरोप लगाते हुए कहा कि FCI के अधिकारियों की कथित मिली भगत के चलते पिछले 3-4 दिनों से उनकी यूनियन की गाड़ियों जिनमें माल लोड किया हुआ है उन्हें खाली नहीं करवाया जा रहा, जिस कारण ट्रक ऑपरेटरों को सड़क पर रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस संबंधी जब FCI जीरा के मैनेजर शाह मोहम्मद के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि FCI द्वारा ट्रक यूनियन जीरा से 3-4 दिन पहले गाड़ियों की मांग की गई थी और फिर इसी कारण इसकी मांग को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इनकी गाड़ियों को खाली करवा दिया जाएगा। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। प्रशासन ये बेनती करना भी जो कि 24 तरीक नी 150 गड्डी पकारी गई सी स्पैशल लगन की वास्ते स्पैशल आई गई सी 24 तरीक दड्डिया 150 पकार के साड़िया बैन करके गड्डिया खिलारियां पदियाँ अभी तक स्पैशल साड़ी गांह दिखी गई ने महू तो सानू हूँ तक भी कोई उन्होंने गड्डिया का नहीं मिल रहा भी 5 दिन हो गए ड्राइवर बेचारे भुखे त्याए उत्ते लम्बे पै रहे हैं गड्डिया से इन्हों का सानू तो उदो डमारचा पै जाता 2 घंटे लेट हो जाए तो यह अब 5 दिन हो गए ने कि सानू भी कुछ इन्होंने गड्डियां दवाया जाए तो इन्हों का हक पूरा होंगे जो कि साड़िया स्पैशल वेचिया गई ने जो कि साड़िया स्पैशल मिली भुगत नाल महू नू वेचिया गई ने साड़ी स्पैशल लग रही साड़िया गड्डियां अनलोड नहीं हो रही 24 तरीक तो लैके साढ़े को गेट पास वेख सकते जो 25 तरीक का गेट पास कटिया है तो अजे तक गड्डिया अनलोड होने वाली 150 गड्डी खड़ी है दसो उनका जुम्मेवार तो गरीब जनता का जुम्मेवार कौन है। यहाँ 4-5 दिन पहले जीरा के लिए मंडी से स्पेशल मिली थी उसके लिए हमने ट्रक पार दिए थे जीरा से स्पेशल के लिए तो उसके बाद मक्खू में स्पेशल रोक दी हमारी मक्खू वालों ने वहाँ धरना लगा दिया अभी हम भरेंगे तो इसलिए यहाँ की स्पेशल कट गई थी मक्खू को मिली थी इसलिए इसमें 4-5 दिन से स्पेशल नहीं लगी इसलिए आगे भी हमारे ट्रक खाली कराएंगे। हमने इनको आश्वासन दिया कल स्पेशल लग जाएगी DM साहब से बात हुई कल स्पेशल 100% लगेगी। सर ट्रक ऑपरेटर्स ने इल्जाम लगाया आपके ऊपर कि आपकी मिली भगत के कारण ये सब कुछ हो रहा है। नहीं हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें स्पेशल लगवाना तो ऊपर लेवल का काम तो अभी क्या आश्वासन दिया आपने कल स्पेशल लग जाएगी भी DM साहब से बात हुई यही बोले इनको। श्री शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर ग्रोवर कॉलोनी 120 फुटी रोड दिलबाग नगर एक्सटेंशन जालंधर में माँ बंगलामुखी जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम सुबह 7 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात 11 बजे से 1 बजे तक दूसरा हवन यज्ञ कर पूर्ण आहुति डाली गई। इस दौरान 31 केकों का भोग माँ को लगाया गया। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर प्रधान प्रवीण कत्याल, आचार्य विजय शास्त्री,
अजय नारंग विकी विज अमित गुजराल दीपांशु महाजन रॉकी खुराना दिलजोत चावला बब्बा अंगुरवाल सतीश प्रधान कपिल देव राहुल चड्डा मनोज चड्डा दिवांश चड्डा जीएस नंदा पंकज सरपाल विक्की अग्निहोत्री शिखा गीतिका कतियाल पूजा रिया रमा जैरथ पूनमदीप कौर वंदना शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। मंदिर ग्रोवर कॉलोनी दे विच बड़ी ही धूम धड़के नाल बगला मुखी माता का बर्थडे मनाया जा रहा है। सवेरे 7 बजे हवन होया, उस तो बाद 11 बजे हवन होएगा और 1:30 बजे केक कटिया जाएगा, 31 किलो केक कटिया जाएगा और सारे जने आओ ते मां के दर्शन करो ते मां को आशीर्वाद लो। दरबार की जय। मां बगला मुखी 120 फुटी रोड शिव शक्ति मां बगला मुखी मंदिर पिछले 21 वर्षों तो माँ का रोजाना हवन होता पाया तो अज माई का कह लो हैप्पी बर्थडे आप अंग्रेजी के कहने हैप्पी बर्थडे अवतरण दिवस अवतरण दिवस तो आप मतलब बड़ी धूमधाम ना मना रहे तो अगे भी मतलब पिछों बड़ी देर तो माई की इच्छा सी भी हवन करिए भी रूटीन साड़ी माई का जिदा स्टार्ट किया पहले दिन तो मैं तो बाबा जी जो पहले दिन तो स्टार्ट सीगा तो उदो संगत सी 2-4 संगत मतलब कोई इन्ना नहीं तो बाबा जी कहते ज्यों ज्यों हवन वधी जाना ज्यों ज्यों रोज़ हो जाने संगत भी जुड़नी और दाती ने मुरादा भी पूरिया करनी। SSP अमृतसर ग्रामीण सतेंद्र सिंह के निर्देशानुसार सामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत जंडियाला गुरु पुलिस ने एक आरोपी को 32 बोर की पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। SI धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने पुलिस पार्टी के साथ देवीदासपुरा GT रोड मोड़ पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान देवीदासपुरा गाँव से एक युवक पैदल जा रहा था। पुलिस पार्टी ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को 32 बोर की सिल्वर रंग की मैगजीन की एक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई। आरोपी की पहचान मानावाला कला थाना चाटीविंड निवासी बलकार सिंह के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने एक दिन के रिमांड पर लिया है। इस मौके पर हवलदार मेजर सिंह चंचल मसीह व सिकंदर लाल भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। तो ये जड़ा मोड़ है देवीदासपुरे का उत्थे अं गड्डिया की चैकिंग कर रहे थे ये देवीदासपुरे वाली साइड तो आ रहा है तो एकदम पुलिस पार्टी वेख के तो पिछे मुड़िया तो साड़ी पार्टी ने फिर पुलिस पार्टी ने घेराबंदी करके घेरिया घेर के तो फिर जो अं फड़िया वा तो यदि अं तलाशी की तो यदि डब चो जरा नजायज़ पिस्टल निकलिया तो पिस्टल जोड़ा वो फिर अं कट के अनलोड किया तो जो 2 राउंड निकले जिंदा राउंड जोड़े वो फिर अं कब्जे च ले इनू फिर लिया के अं हवाला बंद किया मुकदमा दर्ज करके अज अं जरा अदालत पेश करके एक दिन का जरा रिमांड दिता जज साहब ने। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। लुधियाना के सर्किट हाउस में पंजाब कैबिनेट की हुई मीटिंग, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की अगुवाई। जीरा के अधीन आते गांव नवा गुरदित्ती में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का हुआ कत्ल, पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। नाभा ब्लॉक के गांव खोख में नशेड़ी बेटे ने घर में लगाई आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।